शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु। आदर और सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के कार्यकर्ता और अधिकारी संगठक लोगों को जोड़कर रखने वाले ऐसे ही भाई योगी प्रसाद जी जो इस मंच को संचालन कर रहे हैं और वर्तमान समय में इस आर्य समाज के अधिकारियों में भाई रामदेव जी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता और अधिकारी कर रहे हैं इस समय बड़े ही लगन के साथ सब लोग जुड़कर मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों का बड़ा ही धन्यवादी हूं और आप सभी उपस्थित जनों का भी जो रात्रिकालीन सत्र में आप लोग कल भी मैं देखा कि रात को 11 बजे तक बैठे थे और आज भी 11 बजने को कुछ देर नहीं है लेकिन मैं 12 नहीं बजाऊंगा। सर 12 अगर बजे भी तो घड़ी में ही बजना है, आप लोगों का थोड़े बजाना है। बड़े ही तन्मयता के साथ आप लोग हमारे तीनों विद्वानों को सुन रहे थे और भाई जयप्रकाश जी ने तो अंतिम भजन में आप लोगों को दर्शा चुके हैं कि मोदी का हाथ ये मजबूत बनाए। अब हाथ किसका मजबूत बन रहा है वो तो आने वाला समय मार्च महीने में ही पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि कल तक प्रचार कार्य समाप्त हो चुका है तो हमसे ज्यादती ना हो जाए, इसलिए आज का विषय बड़े ही अंदाज से हमारे अधिकारियों ने रखा है वीर और धर्म रक्षा संवेदन। बहुत ही चुनिंदा विषय है, मार्मिक विषय है, हृदय ग्रही विषय है, ज्ञान वर्धक विषय है। इस पर अगर मैं साल भर बोलता रहूं फिर भी ये विषय समाप्त होने वाला नहीं है, इतना गंभीर विषय है। पर मैं अपने विषय को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले थोड़ा सा कष्ट देना चाहूंगा। ये बहुत भाई सब ये कुर्सी में बैठे हैं, आज ये लोग ज्यादातर कुर्सी से मोह करने लगे जबकि इसका नाम कुरस्सी है। कुरस्सी कु माने खराब और रस्सी से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुर्सी नहीं है कुरस्सी है। और इसी कुरस्सी के फेर में तो आप सब देख ही रहे हैं हो क्या रहा है, लेकिन जो मेरा आज का ट्विटर है वो मैं इतना संकेत दिया हूं कि आप उत्तर प्रदेश वालों को ये सोच लेना चाहिए कि परिवारवाद और भाई भतीजा वादों से मुक्ति क्या बात है। बोल मैं रहा हूं आप तो रहे मैंने लिखा आज सवेरे कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद से आप लोग इस यूपी को मुक्ति कब तक दिलाना चाहिए। एक शब्द में ही सारा आ गया,
आइए आप लोगों ने बड़ा ही बहादुरी और साहस का परिचय दिया कि कुर्सी का मोह छोड़कर जमींदार बनकर जमीन में बैठ गए। ये मेरे कहने पर आप लोगों ने इतना करके दिखाया, इसलिए भी मैं आप लोगों का धन्यवादी हूं। विषय वेद है और धर्म है, यद्यपि एक विषय पर ही पर्याप्त मसाला है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। दोनों को नहीं बल्कि मैं इसमें और दो को जोड़ देता हूं। विषय पहला आपको क्या सुनाया गया, वेद और राज रक्षा सम्मेलन, और मैं इसके साथ दो और जोड़ रहा हूं, परमात्मा और राष्ट्र। अर्थात जहां वेद है वही धर्म है, जहां वेद है वही परमात्मा है, जहां वेद है वही राष्ट्र है। एक वेद के साथ ही ये सारा जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि परमात्मा को जाना जा सकता है केवल और केवल वेद के द्वारा, वेद के माध्यम से, वेद से इधर, वेद से अलग। धरती पर कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिन पुस्तकों के माध्यम से आप परमात्मा को जान सकें। ये मैं कहूंगा नहीं, ये मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। और मेरी लिखी हुई पुस्तक, जहां तक इस उतरोला आर्य समाज को मैं जानता हूं कि उतरोला आर्य समाज के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आर्य लोग हैं, सब लोगों के घर घर में वो किताब पहुंची हुई है पहले से, जिस पुस्तक का नाम है पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा। उस पुस्तक में मैंने परमात्मा को कहां पाया जा सकता है, परमात्मा के जो अनेक नाम है उसका अर्थ क्या है, उस पुस्तक में दर्शाया है। और अल्लाह के जो नाम अनेक है, अनेक तो क्या, वो तो 100 पूरा नहीं कर पाए, 99 में जाकर के रुक गए। अल्लाह का 99 नाम है, अगर ऋषि दयानंद से मांग लेते होते एक उधार तो शायद मिल जाता, लेकिन शायद उन्होंने उधार मांगना उचित नहीं समझा होगा। तो उसे भी मैं उसी पुस्तक में दर्शाया हूं, उसके अर्थ क्या है वो भी मैं लिखाऊंगा। तो उसी पुस्तक में मैंने ये दर्शाया कि परमपिता परमात्मा को जानने के लिए वेद के नजदीक जाना पड़ेगा। वेद के सिवा दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो परमात्मा को जान सके हम, या जाना जा सके, या जाना जा सकता है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। और वेद को जानने पर ही हम धर्म को भी जान सकेंगे, वेद के बिना धर्म कहीं किसी के पास नहीं। अभी भाई जयप्रकाश जी थोड़ा संकेत कर भी रहे थे पहले ही कि धर्म को जाना जाना संभव तब है जब आप वेद के नजदीक जाएंगे, क्योंकि वेद से अलग कोई पुस्तक नहीं है धरती पर जिसमें धर्म को जाना जा सके। साथ ही साथ कि राष्ट्र को जानने के लिए भी वेद के शरण में ही आना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीयता का पाठ केवल और केवल वेद में ही है, अन्य किसी पुस्तक में राष्ट्रीयता का पाठ मिलना संभव नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर चार बातें आप लोगों के सामने रखी
एक परमात्मा, दूसरा वेद, तीसरा धर्म और चौथा राष्ट्र। अर्थात ये चारों चीज एक दूसरे के पूरक हैं। एक को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे तो बात बनेगी नहीं। ये चारों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वहां बात चली वेद से, क्योंकि वेद से ही परमात्मा का जाना जाना संभव होगा। वेद से अलग कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो परमात्मा को जान जाए या जान सके। अब आप लोग बोलेंगे कि तुम ही ठेकेदार बैठ गए, क्या सोचेंगे कि आर्य समाज के लोग ही ठेका ले रखा है परमात्मा के बारे में जानकारी देने का, दुनिया जानती नहीं। तो जो लोग हम मस्जिद में जाते हैं तो क्या बिना पर्द अल्लाह को जाने जा रहे हैं? जो हम मंदिर में जाते हैं तो क्या हम बिना परमात्मा को जाने जा रहे हैं? जो हम गिरजा में जाते हैं तो क्या हम बिना गॉड को जाने जा रहे हैं? ये सब सवाल आ जाएंगे साथ ही साथ, लेकिन एक एक करके मैं समाधान दे रहा हूँ, जिसको पहले सुन लीजिए। सारा प्रमाण इकट्ठा करके मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अच्छे ढंग से रिकॉर्डिंग कर लेना कि मैं सब जगह से प्रमाण प्रस्तुत करके आप लोगों के सामने रखूंगा, चाहे घड़ी में 2 बजे, 12 बजे, कितना बजे आना चाहिए? 2 बजे। घबराइए मत और डराइए भी मत। आइए मैं समाधान दे रहा हूं। रही बात कि क्या हम परमात्मा को जानते नहीं, हम खामखा जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, और हमारा आर्य समाज भी गुरुद्वारा के पड़ोस में ही है। बंधु एक एक करके इसका समाधान ले लीजिए पहले। और मैं तो आज ये खजाना उठा करके लाया हूँ, ये सब देख रहे नहीं किसका है? कपिल जी देख रहे हैं कौन है? हिंदू एंड हिंदुइज्म। लेकिन मैं ये क्या है मैं दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं लाया हूँ। जो लोग मस्जिद में जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है? समाधान आप लोग दीजिए, बात आना भी सही। अगर नहीं जानते हैं तो मना कर दीजिए, बोलूंगा मैं। मस्जिद में लोग क्यों जाते हैं? अरे आप लोगों से पूछना हो भाई, नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ना दीजिएगा। देखिए लोग समझते सब है लेकिन लेट कर देते हैं, यही पड़ी। हमारे भाई साहब ने कहा नमाज पढ़ने के लिए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? खुदा को खुश करने, क्या उद्देश्य है? खुदा को खुश करने, खुदा को खुश करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये हुआ कि खुदा नाखुश है तब नमाज कर रहे। तो खुदा नाखुश हो जाएगा, कोई वस्तु बन जाएगा, कोई शय बन जाएंगे, परमात्मा बनने का सवाल ही नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा वेद में क्या बताया, श्री रामायण ने आर्य समाज के दूसरे नियम में पहला ही शब्द रख दिया है, ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। परमात्मा कभी भी आनंद से वंचित नहीं है, नहीं होते, क्योंकि आनंद से वंचित होना ये जीवात्मा का लक्षण है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं परमात्मा को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास किया नहीं। अगर दुनिया के लोग परमात्मा को जान गए होते या जानते होते तो बेतुकी बातों को परमात्मा के साथ लगाना ही नहीं पड़ता। यहां पर एक शब्द में ही ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद से कभी भी परमात्मा वंचित नहीं है, नहीं होते। अब देखिए